तूफान की सूचना। गोविंदम आज बहुत प्रसन्न है। आज उसके पास अपने शंखों से खेलने का काफी समय है। वह अपना भंडार खोलकर एक एक शंख को देख रहा है। कोई शंख बड़ा है तो कोई छोटा, कोई रंगीन है तो कोई सफेद। उसके पास कई तरह की सीपियों का भंडार है। गोविंदम और उसकी बहन मीनाक्षी को शंख और सीपियां इकट्ठा करने का बहुत शौक है। वे अपना खाली समय समुद्र के तट पर ही बिताते हैं। समुद्र तट से वे सीपियां तथा शंख चुनकर लाते हैं। गोविंदम के पास सभी मित्रों से अधिक सीपियां और शंख हैं। मीनाक्षी ने सीपियों और शंखों की कई मालाएं भी बनाई हैं। गोविंदम के पिता नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं। वे दो दिन बाद लौटने वाले हैं। जब वे आएंगे तो गोविंदम और मीनाक्षी को बहुत काम रहेगा। वे जाल में से छोटी छोटी मछलियां टोकरियों में भरेंगे। गोविंदम मां के साथ मछलियां बेचने बाजार जाएगा। गोविंदम ने सोचा, आज समुद्र तट पर सभी साथियों को बुलाकर पिकनिक मनानी चाहिए। उसने अपनी मां से एक छोटी टोकरी में खाना रखने को कहा। मां ने कुछ केले, इडली और डोसा उसकी टोकरी में रख दिए। पीने के लिए कच्चे नारियल भी दे दिए। फिर मां उसके दादाजी को खाना देने लगी। गोविंदम के दादाजी बहुत वृद्ध हैं। वे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जा सकते। वे घर में नारियल के रेशों से रस्सी बनाते हैं। गोविंदम के सभी साथी अपनी अपनी टोकरी लेकर आ गए। टोकरियों में खाना था। उन्हीं टोकरियों में वे सीप और शंख भरकर लाएंगे। बच्चे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक जोर से आवाज सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए। अरे ये तो भोंपू की आवाज है। हाँ, ये बात तो है, किसी ने कहा। सभी आवाज की तरफ भागने लगे। घरों से स्त्रियां और वृद्ध भी निकलकर बाहर आ गए। एक जीप मछुआरों की बस्ती के पास आ गई थी।
उसी पर बैठा एक व्यक्ति ऊंची आवाज में कह रहा था, तूफान आने वाला है, कोई भी समुद्र की ओर न जाए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या करें। गोविंदम के पिता अन्य मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा चुके थे। उन्हें गए एक घंटा बीत चुका था। अब क्या होगा? सभी स्त्रियां और वृद्ध चिंतित थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ दौड़कर मछुआरों को सूचना देने चल दिए। गोविंदम को अचानक एक उपाय सूझा। उसने मीनाक्षी से कुछ कहा। वह भागकर मां की लाल साड़ी उठा लाई। गोविंदम साड़ी लेकर समुद्र की ओर दौड़ा। समुद्र तट पर एक डोंगी खड़ी थी। वह झट से उस पर चढ़ गया। उसने डोंगी में रखे एक लंबे बांस पर लाल साड़ी बांधकर बांस खड़ा कर दिया। इतने में गोविंदम का एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ डोंगी में बैठ गया। अब वे डोंगी खेते हुए समुद्र में चले गए। बहुत से लोग तट पर खड़े चिल्ला रहे थे, और मछुआरों को हाथ हिला हिला कर संकेत से वापस बुला रहे थे। गोविंदम की डोंगी जब कुछ दूर पहुंच गई तो दोनों मित्र ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, लौट आओ, लौट आओ, तूफान आने वाला है। दूर नावों पर जाते हुए मछुआरों ने कुछ शोर सुना तो वे मुड़कर देखने लगे। डोंगी पर लाल कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। मछुआरों ने लाल कपड़ा देखा तो तुरंत लौट पड़े। दोनों मित्रों ने अपनी डोंगी लौटा ली। इतने में हवा कुछ और तेज हो गई। गोविंदम किनारे पर पहुंचा तो उसके लिए डोंगी को बांधना मुश्किल हो गया। उसके दादाजी और मीनाक्षी ने आगे बढ़कर डोंगी पकड़ ली और उसे बांध दिया। लाल साड़ी अभी भी हवा में फहरा रही थी। आधे घंटे में सारी नावें तट पर पहुंच गईं। नावें बांधते बांधते हवा बहुत तेज हो गई। वर्षा भी होने लगी। मछुआरों ने दोनों बच्चों की बड़ी सराहना की। अरे क्या बात है, बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहुत बचा लिया। अरे बचा लिया, सबको बचा लिया। गोविंदम के पिता बोले, तुम दोनों ने बड़ी समझदारी का काम किया है। तूफान बढ़ता जा रहा है, चलो अब घर चलें। जी जी बाबूजी।
कठिन शब्द। तूफान, तूफान। सूचना, सूचना। गोविंदम, गोविंदम। शंख, शंख। भंडार, भंडार। समुद्र, समुद्र। इडली डोसा, इडली डोसा। वृद्ध, वृद्ध। स्त्रियां, स्त्रियां। चौकन्ना, चौकन्ना। भोंपू, भोंपू। डोंगी, डोंगी। सराहना, सराहना। फड़फड़ा, फड़फड़ा।